और ये है दुनिया का सबसे तेज नाइफ, ये है एक आम स्केटबोर्ड और ये है एक जेट पावर्ड स्केटबोर्ड। और आज हम रिएक्ट करेंगे अब तक के सबसे कूल घर पर बने आविष्कारों सबसे पर। कूल शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे तेज नाइफ और से। उसका फैसला मैं करूंगा। कैसे तय करेंगे कि दुनिया में इससे तेज और कोई नाइफ है ही नहीं? हमें अभी तक का सबसे तेज नाइफ लेना होगा और नए वाले से मुकाबला करवाना होगा। अगर नया वाला पहले वाले को काट देता है तो इसका मतलब ये सबसे तेज नाइफ होगा। वो इस तरह तय नहीं करते, देखो उसे, ये अच्छे से पेपर काट रहा है। मतलब कि ये तेज तो है पर कैसे तय करेंगे कि दुनिया का, वेल इन बलून्स को तो मौका भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, सब जानते हैं कि बलून्स डायमंड जितने सख्त होते हैं। ये बनाने वाला है चेन मेल, वो भी इन सोडा टैब से। ये मेरे पास इसलिए है क्योंकि मैं डॉक्टर पेपर पी रहा था। ओह माय गॉश। मैं जिस चर्च में जाता था वो लोग इन सोडा टैब्स को इकट्ठा करते थे। उन्होंने कहा कि वो इन्हें रिसाइकल करके किसी चीज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन क्या पता कि वो लोग भी इसे यही बना रहे हो। तो तुम्हारे चर्च की आमरी में सोडा अमर थे तो बाजुओं पर भी सोडा कैंस लगाते होंगे। 3, 2, 1। उसने अपनी पूरी कमर घुमाकर मारा है, बिल्कुल बेसबॉल स्विंग की तरह। पर दर्द तो होता ही होगा। देखो मैं भी यही कहने वाला था, कम से कम उससे चोट तो नहीं लगेगी, है ना? पर पसलियां तो जरूर टूटेंगी। हाँ, और फेफड़ों से पूरी हवा भी निकल जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये कूल है तो ये देखो, एक फ्लाइंग बॉक्स फैन ड्रोन। ओह माय गॉड, वो बॉक्स फैन यूज कर रहे हैं, वो ये तो जीनियस है। बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। सच में कमाल है, मुझे ये देखना ही है सच में। सोचो अगर आपको एक खिड़की के बाहर उड़ते हुए दिखे और आप बाहर जाकर सोचते हो, अरे मेरा फैन कहाँ जा रहा है, फिर आपको ऐसा। बहुत कूल था वो, सिर्फ 30 सेकंड उड़ा। तुम तो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाए। तो मानवता के इतिहास में एक नर्व डार्ट कभी भी इससे ज्यादा तेज नहीं गई है। देखते हैं, बूम। क्या ये आर पार गई? पर ये इतना डार्क और मिस्टीरियस क्यों लग रहा है? सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई बैटमैन की फिल्म हो और ये गन जोकर के पास हो और रेडबुल कहती है प्लीज उस नव गन से नहीं। और ऐसे बनाते हैं एक टिन कैन रोबोट। वो इस कैन के साथ क्या कर रहा है? यार इसे देखकर तो ना पुराने दिनों की याद आ गई, वो लाइफ हैक्स। कौन जानता है कि हम लाइफ हैक्स को रोस्ट करते थे? कोई भी नहीं। तुम सच में कमाल हो। कोई जानता ही नहीं था। ये कर क्या रहा है? एक रोबोट बना रहा है। वो एक कार लग रही है। ये रोबोट कुछ करता भी है? ओह हाँ करता है। ये क्यूट रोबोट है। तो सच में क्यूट है। अगर क्यूट नहीं होता तो अब तक का सबसे बेकार रोबोट होता ही है। उसकी आंखें निकाल दो और आप देखो। क्रिस के बारे में भी मेरा यही ख्याल है, आंखें निकाल दो और देखो। ओके, ये है एक टीवी। मैं ये नोट्स नहीं पढ़ूंगा तो पता नहीं ये क्या कर रहा है। ये कोई टीवी नहीं है, ये एक कंप्यूटर मॉनिटर है। मैंने नोट्स नहीं पढ़े। रुको, ओके, उसने उस मॉनिटर से उस फिल्म को निकाला और उसे उस चश्मे की शेप में काट दिया, देखो। ओह क्या बात है। क्या ये बताओ, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, लेकिन सिर्फ उन पुराने मॉनिटर्स के साथ। क्या इसीलिए यहाँ यूट्यूब इतना पुराना लग रहा है? बहुत कूल था। ओके, तो यहाँ ऑफिस की चीजों से क्रॉसबो बन रहा है, देखते हैं। इसी तरह से हम उन परेशान करने वाले लोगों से निपटते हैं जो खाते वक्त बहुत आवाज करते हैं। हमारे पास स्टोर में जाकर असली क्रॉसबो खरीदने का वक्त नहीं है। क्या हमारी डेडलाइन है? हमें काम भी करना है। अमेज़न तो हमें बाथरूम भी नहीं जाने देता, तो क्रॉसबो खरीदने क्या जाने देता? तो हमें वो इन्हीं चीजों से बनाना होगा। किचन फॉइल से एक नाइफ कैसे बनाते हैं? वो किचन फॉइल नहीं, एल्युमिनियम फॉइल होता है। वो चाहे कुछ भी हो। सॉरी, इस वीडियो में तुम्हारी बात नहीं काटनी थी, पर मुझे करना ही पड़ा। मैं बस तुम्हें बता रहा था। उसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए तो तुम्हारी बात काटनी ही थी। हर वीडियो में तुम्हारी बात काटनी जरूरी है। वो बिल्कुल असली लग रहा है। वो असली है, ये एल्युमिनियम फॉइल है। लेकिन एल्युमिनियम फॉइल बना किससे होता है? सोचो इसकी जगह तुम्हारी लुल्लू होती तो। आज मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। नीचे रख दो नहीं तो मैं चला। पेपर से क्या काटा जा सकता है? एक नारियल काट सकते हैं, हमने भी किया है। डूड सच में मजेदार था, याद हमने किया था। हमने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया था, याद है? हाँ, हमने भी ठीक ऐसे ही किया था। कितनी अजीब बात है ना कि हम पहले क्या करते थे कि जो मन में आज सोचते थे कि ठीक है इसी के ऊपर पूरा वीडियो बना देते हैं। ये बहुत ही आसान था। और देखो अब मुझे स्क्विड गेम को रिक्रिएट करना पड़ता है, सेट्स बनाने पड़ते हैं, 3 मिलियन तक लगाने पड़ते हैं। पर उन दिनों हम बस एक पेपर लेते थे, उसका एक सर्कल काट लेते थे और उसे मशीन पर लगा लेते थे। पर तुम्हें स्क्विड गेम बनाने की क्या जरूरत थी? तुम माइक्रोवेव को भी माइक्रोवेव कर सकते थे। DIY मिनी गन। एक मिनट जरा रुको, आखिर हम खुद को किस चीज में फंसा रहे हैं? एक मिनट रुको, पर ये काम करेगी? ये कितनी कूल है यार। ये बहुत ही कूल, ये बिल्कुल सही है। इसे ऐसे बनाते हैं, बस कुछ स्टेप्स छोड़ दो और फिर बूम। लेकिन ये काम कैसे करेगी? कमाल है, जंग लगे लीफ स्प्रिंग से एक बो को बना। पर ये लीफ स्प्रिंग होता क्या है? ओ, ये ट्रक में लगा होता है। तो वो मेटल से एक बो बना रहा है। ओ, ये तो बिल्कुल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसा है, सही कह रहा ना? ओ, वो पहले शॉट में है। जंग लगा था और अगले शॉट में ऐसा। विश्वास करना होगा, मुझे यकीन नहीं होता। उसे वो इंडेंशंस बनाने में कितना वक्त लगा होगा? मुझे नहीं पता, पर उसी ने कहा था। ओ माय गॉश, उसमें लकड़ी भी लगाई है। वाह बढ़िया, कमाल था ये। अच्छा वीडियो था बिल्कुल। इसे एक छोटा नाइफ बनाने के लिए हमें इस पर थोड़ी फोर्जिंग करनी होगी। ऐसे वीडियोस में रात को लगभग 1 बजे देखता हूँ, जब मुझे पता ही नहीं होता कि क्या करना है, तब मैं ऐसे वीडियोस देखता हूँ। वाह, देखो कितना छोटू सा नाइफ ये है। मेरी आंखों से भी ज्यादा चमकीला है। क्या होगा अगर ट्रैक्स को फोर्ड पर डाला जाए?
ट्रैक्टर। ये क्लिप यहाँ सिर्फ क्रिस की वजह से है, ये ट्रक्स के लिए पागल है। मैं ट्रक्स के लिए पागल नहीं हूँ, मैं तो बस उसे जरा देखो कितना कूल ट्रक है। मैं ट्रक्स के लिए पागल नहीं, ओ माय गॉड ट्रक, वो कितना सुंदर ट्रक है, जरा देखो तो उसे। मैं हमेशा से ऐसा ट्रक चाहता था जिसमें ट्रैक्स लगे हों। हम उसे रोक ही नहीं सकते, कोई रोक ही नहीं पाएगा क्योंकि वो पूरी तरह से लीगल है। सच कह रहा हूँ, कम्प्लीटली लीगल है। इसे चलते हुए देखते हैं। और जरा देखो क्या बात है, बहुत कूल, उन्हें रोका नहीं जा सकता। जरा देखो तो क्या बात है यार, तुम्हारे ट्रक पर ट्रायंगल्स लगे हुए हैं, तुम्हारे सर्कल्स बदल कर ट्रायंगल्स बन गए हैं। हम इतने सालों से सर्कल्स यूज कर रहे थे और अब ट्रायंगल यूज करने का टाइम आ गया है। सर्कल ट्रायंगल्स, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो यार। जेट पावर्ड बूस्टेड बोर्ड, तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए क्योंकि अगर ये कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी और को करने से चोट नहीं आएगी। वो कैरेक्टर क्या था, सर्फर, वो सिल्वर सर्फर, उसका नाम क्या है? सिल्वर सर्फर। ओह ये तो वही हो गया। अच्छा स्पाइडरमैन का नाम क्या था भाई? मैंने सिर्फ इसीलिए उसे सिल्वर सर्फर कहा क्योंकि ये सिल्वर से बना है। हाँ शायद इसीलिए उसे सिल्वर सर्फर का नाम दिया गया। ये तो बहुत ही कूल है, ये अपनी जिंदगी जी रहा है, तुम पर नाज है। मुझे लगा था कि अगर जेट लगा है तो ये बहुत उससे आग निकल रही होगी। हाँ बिल्कुल, ये कूल है यार और सेफ भी लग रहा है। जब मैंने जेट सुना तो मुझे लगा कि रूम्बा पूल क्लीनर। ओ सुंदर 3D प्रिंटिंग। ओ क्या इसी से ये रूम्बा तैर पाते हैं? पैडल व्हील्स जैसा लग रहा है ना। Oh. पता है वो क्या बना रहा है? ये बिल्कुल उस मार्क रॉबर्स ट्रैश रोबोट जैसा है जो पूल को क्लीन कर रहा है। ओह माय गॉश, ये आखिर काम कैसे करता है, मुझे ये देखना है। नम 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 नम। और ये वो चल पड़ा। हाँ वो बहुत क्यूट है यार, और देखो उसके हाथ भी है जैसे वो कह रहा हो कि मैं पूल का सारा कचरा साफ कर दूंगा। क्या होगा अगर बहुत सारे पत्ते इसमें गिर जाएं? पेड़ से हजारों पत्ते गिरते हैं, तब ये उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। हाँ सही कह रहे हो तुम, ये उतने पत्ते हैंडल नहीं कर पाएगा, उसके लिए बिग बॉय। मेरे हिसाब से लुक्स के लिए मैं 10 out of 10 दूंगा, लेकिन इस्तेमाल के लिए कह नहीं सकता। अब आगे है एक ऑटोमेटिक बुलजाय। बात यह है अगर एक क्लिप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब जाहिर है कि आदमी उतना भी स्मार्ट नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, हम सबने ऐसे बुलजाय बनाए हैं जो खुद डार्ट को पकड़ लेता है, ये उतना भी कमाल का नहीं है। बस कुछ वायर्स लगाने हैं, एक फ्रेम लगानी है। इसने करीब इसे बनाने में शायद 1-2 साल लगाए और ये बन गया होगा। तुम सच में बहुत अजीब हो यार, मुझे पसंद जो मुझे जितना पसंद आता मैं उतना ही मजाक उड़ाता, मतलब ये मुझे बहुत पसंद। लेकिन क्रिस को छोड़कर, मजाक छोड़िए, ये चीज बहुत ही कूल है, हम बुलजाय मिस नहीं कर सकते हैं। और इसे बनाने के बाद वो इसे एक बार में ले गया और जरा इन लोगों को देखो, उन्होंने थोड़ा एप्पल जूस पी रखा है ना, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है और उन्हें लग रहा है कि वो डार्ट्स में माहिर हो गए हैं। अभी बच्चे हैं यार, एप्पल जूस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वो एक कीड़ा, वो एक बहुत ही बड़ा कीड़ा है। जरा कैमरा देना, जरा उस कीड़े को देखो। ओह माय गॉड, ये सर मैं इसे मारूंगा नहीं, बस ऐसे पकड़ूंगा और फिर हम इसे बाहर ले जाएंगे आराम से, अगर वो वापस आ गया तो। अच्छा अगर ऊपर वाले का हाथ तुम्हें उठाकर किसी अच्छी जगह पर रख दे तो क्या तुम वापस आओगे? हो सकता है, क्यों नहीं। उई ठीक है, स्टीम पावर्ड नर्फ गन। इस बार बहुत सी नर्फ गन्स आई। मुझे स्टीम पसंद है, मुझे लगता है हमें स्टीम वाली चीजें यूज करनी चाहिए। स्टीम पावर्ड वीडियो गेम्स, सोचो हमारे पास स्टीम पावर्ड कंप्यूटर्स होते तो। तुम्हारे बात नहीं काट रहा पर ये ज्यादा जरूरी है, इसे देखकर मुझे ब्लैक ऑफ ज़ॉम्बीज़ खेलने का मन हो रहा है, खेलना चाहोगे? हाँ ठीक है, देखने के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब, बाय।